लाहौर के दोनों कैंट्स वॉल्टन कैंट और लाहौर कैंट में जॉइंट इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जियोबा पाकिस्तान ने डिफेंस डे पर दफा पाकिस्तान मार्च के वाहिद आउटडोर इवेंट के जरिए लाखों अहले कैंट की नुमाइंदगी का सहरा इस मरतबा अपने सर किया। जियोबा पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार वहीद अकरम खान ने इस मौके पर शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सरदार वहीद अकरम खान ने शुरका का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। सरदार वहीद अकरम खान ने कहा है कि सियासतदान फौज को सियासत में घसीटना बंद करें ताकि फौज अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जा मरकूज रख सके। जियोबा पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार वहीद अकरम खान के अलावा दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इन मुकर्ररीन में शाहीन वेलफेयर सोसाइटी के सदर एन ए राजा, जियोबा पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर राव औलियाकर, जियोबा पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी विंग के डॉक्टर अरशद निशान और जनाब असगर रियाज ने भी शहदाए वतन और फवाज पाकिस्तान को हदिया तहनीत पेश किया। सरदार वहीद अकरम खान ने यकीन जाहिर किया फवाज पाकिस्तान कभी अपनी आइनी हदूद से तजावुज नहीं करेंगे। सरदार वहीद ने कौम के नाम जियोबा पाकिस्तान के एक पैगाम में कहा कि कौम इस मौका पर सियासी नफरत के बजाय समाजी मोहब्बत के कल्चर को फरोग देने में अपना अमनी किरदार अदा करे। सरदार वहीद अकरम खान ने बिलखसूस नेशनल न्यूज चैनल का भी शुक्रिया अदा किया जो पहले वोट फिर खिदमत के गैर फितरी सियासी एजेंडे के बजाय जियोबा पाकिस्तान के पहले खिदमत फिर वोट के समाजी एजेंडे के लिए कौमी आगाही में कलीदी रोल अदा कर रहा है।